और अब अगली खबर अमरोहा से है, जहां आईएएस अधिकारी के वेज खाने में हड्डी निकली। वेज खाने में हड्डी निकलने से हड़कंप मच गया। आईएएस शीश कुमार ने फूड विभाग की टीम से सैंपल भरवाए। सैंपल लेने के बाद एसडीएम ने होटल को सील कर दिया। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के हवेली होटल का ये मामला है। देखिए, हवेली होटल का मामला, वेज खाने में हड्डी निकली, जिसके बाद यहाँ पर हड़कंप मच गया। हालांकि आईएएस की ओर से इस मामले की शिकायत की गई और फिर सैंपल खाने के भरवाए गए हैं, और सैंपल भरवाए जाने के बाद एसडीएम ने इस होटल को सील कर दिया गया है। मैं शिरीष कुमार हूँ, उत्तराखंड में सीनियर सिविल कार्यकारी शाखा का अधिकारी हूँ जी। वर्तमान में मैं डायरेक्टर हूँ रेवेन्यू पुलिस लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे का, उत्तराखंड का इंस्टीट्यूट है उसमें जी। मैं उड़ीसा में ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगी है। मैं, मेरी फ्लाइट है, मैं जा रहा था तो मेरे बेटा भी मेरे साथ था, उसने खाने के लिए कहा तो हम लोग यहाँ खाने के लिए रुके जी। हम लोगों ने खाने में कुछ सामान मंगाया और वेजिटेरियन है, ये प्योर वेजिटेरियन है। तो जब उसमें हम खाने लगे तो कढ़ाई पनीर में बेटे की प्लेट में मुर्गे की हड्डी निकली। इनको बताया तो ये माफ़ी वाफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि पैसा नहीं चाहिए जी। हमने पैसा भी दिया, हमने खाना नहीं खा पाया जी। हमने पैसा दिया, बिल दिया ताकि ये रहे कि हमने यहाँ खाना खाया। उसके पश्चात मैंने यहाँ के अधिकारियों को बताया, अपर जिलाधिकारी को बताया, आपके यहाँ फूड इंस्पेक्टर साहब को बताया, असिस्टेंट कमिश्नर फूड इंस्पेक्टर साहब को बताया, तो उन्होंने वहाँ से। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरुण चहर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, क्या उस वक्त पूरा माहौल देखा गया? क्योंकि देखिए, एक वेज थाली जब कोई मंगाता है उसमें हड्डी निकल जाती है, अपने आप में चौंका देने वाली बात वो होती है। तो क्या माहौल उस वक्त देखा गया और क्या कुछ पूरे मामले में अब तक हुआ? बिल्कुल, देखिये, उत्तराखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी थे, वो उड़ीसा के ऑब्जर्वर थे और वो अमरोहा के गजरौला में यहाँ पर रुके। और कल जब उन्होंने शुद्ध शाकाहारी होटल जो है हवेली यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने खाने के लिए शाही पनीर ऑर्डर किया, जैसे ही उन्होंने पनीर खाया तो उनके जो सब्जी थी उसमें मुर्गे की हड्डी निकली, जिसके बाद उन्होंने फिर संबंधित अधिकारियों को सूचना दी और उसके बाद मौके पर जो खाद्य विभाग की टीम है वो पहुंची और उन्होंने होटल में उसके सैंपल भरे और उसके बाद एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर दिया है और जो सैंपल है वो जांच के लिए भेज दिए गए। चलिए ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।